मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुआ है और मौसम एकदम ठंडा हो गया है। तो अभी मॉर्निंग के शुरुआत में ही मैं डुगू को साइकिल में चढ़ा के लेके जा रही हूँ किचन, क्योंकि मुझे अभी काम करना है और वो सोएगा नहीं, और अगर मुझे वो नहीं देखेगा तो रोएगा। और कुछ दिनों से क्या हो रहा है, हस्बैंड आ रहे हैं नाइट शिफ्ट से, तो मुझे सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो भी वो उठ रहा है और फिर और नहीं सो रहा है, मतलब गोदी में सो रहा है पर बिस्तर में नहीं। तो उसको लेके बैठी थी 8 बजे तक, 30 बजे से मुझे काम स्टार्ट करने में भी लेट हो रहा है। तो अभी 8 बज रहा है और अभी जाके मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी अपना किचन क्लीन कर रही हूँ और फिर बर्तन वगैरह भी है, हमने चाय पिया है, बेटू ने भी दूध पी लिया है, डुकू को भी मैंने दूध पिला दिया है। तो वो कुछ बर्तन ही मैं क्लीन कर लूँगी। और हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके अभी आके सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकती, धीरे धीरे काम करती हूँ, डुगू भी ना रोए, मतलब ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है वरना उसका नींद टूट जाता है। और नाइट शिफ्ट करना बहुत ही दिक्कत की बात होती है, सभी को पता होता है। तो 3-3, 4-4 नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनको फिर से आज नाइट शिफ्ट करने जाना है, तो अगर नहीं सोएंगे तो नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि मुझे पूरा दिन अपने बच्चे को अकेले संभालना पड़ता है, क्योंकि वो होते हैं घर में फिर भी मतलब उसको नहीं ले पाते हैं ज़्यादा, तो ये एक दिक्कत की बात है। और अभी देखिए डुगू वैसे मुझे देखता है तो बहुत ही अच्छे से बैठे रहता है किचन में, अभी उसको पानी पीना था। वैसे गर्मी तो आज एकदम कम है, फिर भी उसे पानी पीना है। तो चलिए, बर्तन मैंने क्लीन कर लिया है, बस सिंक मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था, पर अभी वो नहीं रह रहा है उसमें, अभी उसको गोदी में आना है। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ, तो उसको गोदी में लेके अभी मैं सिंक क्लीन कर लूँगी। और अभी मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा भी लगाना है, घर मैंने पहले ही समेट लिया है। तो अगर देखती हूँ अगर वो बेटू के साथ बैठती है तो उसे उसके साथ बैठा के मैं अपना बात बाकी का काम करूँगी। तो चलिए अभी साइकिल लेके चलते हैं उस रूम में। तो अभी डुगू मस्ती कर रहा है अपने दीदी के साथ, तब तक मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया है। और आज सोचे कि ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और पराठा, बहुत दिनों से नहीं बनाया है। सुबह थोड़ा सा आटा था तो उससे हस्बैंड के लिए पराठा बना दिया था, और अभी आटा गूंद के आलू वालू काट के मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो उससे बेटू और मेरे लिए। और आलू की सब्ज़ी को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है भुजिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा, सब्जी का टेस्ट एकदम बदल जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है और भी। और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो अभी मैं बेटू को खिलाऊंगी, साथ में मैं भी नाश्ता करूंगी। और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 10:15 या फिर 20 मिनट, तो अभी तक मेरा सारा काम हो चुका है। और आज है ईद और अक्षय तृतीया भी है, तो सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी ईद और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी देख सकते हो डुगू क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब जितना बड़ा हो रहा है उतना उसका बदमाशी भी बढ़ रहा है, एक टाइम भी वो मतलब आराम से नहीं बैठता है। और अभी वो सो चुका था तो मैंने नहा लिया, कपड़े भी धो लिया, जितना भी था, ज़्यादा था भी नहीं, सिर्फ मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया था बेडरूम का, वही था, तो वो सब कुछ धो दिया है। अब मैं कर लूँगी पूजा। तो चलिए, डुगू अभी तक उठा नहीं है, वो अभी सो रहा है, तो तब तक मैं दाल राइस चढ़ा देती हूँ। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी एक स्पेशल थाली, तो उसके लिए मेरे पास जितना भी सब्जियाँ था, और ज़्यादा था नहीं, जितना भी था उसके साथ मैं एक मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी।
और मेरे पास 3 अंडा पड़ा हुआ है, तो 3 अंडे ही बनाऊंगी, एक करी टाइप्स बनाऊंगी कैप्सिकम के साथ। यहाँ पे मेरा मिक्स सब्जी बन चुका है और एक पतला सा मुसर का दाल। यहाँ पे अनियन फ्राई कर लिया है मैंने और अंडा को ना मैंने मैरिनेट करके रखा था, बॉइल्ड अंडा, कैप्सिकम और टमेटो, फिर सारे मसालास को फ्राई करके अभी मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू करेला फ्राई। और फ्राई होते होते आलू करेला जो है थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, तो तब तक मैंने डोगू को नहला दिया है, अभी उसको रेडी करवा दूँगी। फिर बेटू अभी नहा रही है तो वो भी थोड़ी देर बाद रेडी हो जाएगी। और उसके पापा उठ गए हैं, थोड़े से काम था तो वो गए हैं अभी ऑफिस, तो वो आते ही हम लोग लंच करेंगे। और यहाँ पे बनाया है मैंने रायता और ये बन चुका है, कुकिंग हो चुका है कंप्लीट। अभी डुगू को खिलाना है लंच। कैमरे के सामने बात करने में डुगू को बहुत हंसी आती है, बहुत मजा भी आता है ना डुगू? हाँ बहुत मजा आता है, बात करो सबसे। हाय, हेलो, बोलो 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 बोलो, हाय, हेलो। को देखी बेटू रेडी हो चुकी है नहा धो के, बस अभी चलो सब लोग लंच करेंगे। लंच लंच डुगू लंच कब खाओगी? थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। और आज का लास्ट आइटम है पापड़, जो कि हम अभी सेकने वाले हैं, तो यही आज का लास्ट आइटम है हमारे थाली का। तो हमने ऑलमोस्ट कितने रेसिपीज़ बनाए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज कोई भी रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि इतने सारे रेसिपी शेयर करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो किसी और दिन मैं एक एक करके सारी रेसिपीज़ आपका शेयर करूँगी, मतलब एक करी का जो रेसिपी है वो तो ज़रूर शेयर करूँगी, आज नहीं शेयर कर पाई। और पापड़ हमेशा हम ऐसे ही सेक के खाना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्राई से ज़्यादा मुझे ऐसे ही पसंद होता है। तो ये रहा हमारा आज का स्पेशल थाली, मिक्स वेज या फिर आप सब्जी भी बोल सकते हो, यहाँ पे करेला आलू फ्राई, अंडा कैप्सिकम करी, दाल और रायता, और यहाँ पे पापड़, एकदम स्पेशल आज का। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।